ओम शांति। ओम शांति। ओके, कहाँ के रहने वाली हैं आप? जयपुर की हूँ। ओके, जयपुर की हैं आप, ओम शांति हैं। तो आप यहाँ क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? मोदी जी से शादी करना चाहते हैं। मोदी जी से आप शादी करना चाहती हैं? अच्छा, तो आपने मोदी जी के पास अपना ये मैसेज भिजवाया आपने? लेकिन मैं भेजती हूँ, लेकिन कोई मोदी जी को देते ही नहीं है। कैसे भेजती हैं आप? कर्मचारी लोग मेरे को, कोई पुलिस वाले परेशान करते हैं। अच्छा, लेकिन आपको पता है मोदी जी तो पहले से ही शादीशुदा हैं। लेकिन मैं भी तो शादीशुदा हूँ। अच्छा, आप भी शादीशुदा हैं। ओके, जैसे मोदी जी की स्टोरी वैसे हमारी स्टोरी है। अच्छा, जैसे मोदी जी ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, ऐसे आपको आपके पति ने छोड़ दिया? मेरे को पति ने छोड़ दिया। ओके ओके, तो आप मोदी जी से साथ, तो आप बताइए कैसे अपना मैसेज भिजवाएंगी? मोदी से शादी करनी है आपको, कैसे आप अपना मैसेज भिजवाएंगी? ये वीडियो के जरिए भेज दीजिए। नहीं भैया, हम तो भेज ही देंगे। हम मैं तो उनको एक महीने से भूखी बैठी हूँ। मोदी जी को समझाओ कि कर लो शादी, आप तो राजा जी हो संसार के, क्यों? अगर 10-20 भी रख ले तो उनके क्या फर्क पड़ता है? नहीं, उन्हें क्या, उन्हें कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। अच्छा, मोदी जी आपसे शादी क्यों करेंगे? मोदी जी को क्योंकि भाजपा और कांग्रेस को दोनों को बराबर, क्योंकि मैं मेरी बेटी को तो राहुल गांधी से शादी करूंगी और मैं भाजपा मोदी जी से शादी करूंगी। अच्छा, आपकी बेटी भी है? हाँ। उसकी राहुल गांधी से शादी करनी है? हाँ। तो भाजपा और कांग्रेस दोनों बराबर होने चाहिए ना? हाँ, सही सही सही, दोनों एक है भी। हाँ। दोनों एक है भी, तो बिल्कुल सही। मोदी जी को सब लूट, सबको मोदी जी देते कि कोई मोदी जी को भी तो देते है, नहीं देते ना? सही बात। तो मोदी जी की तो सेवा करनी चाहिए। मैं 50 करोड़ रुपए दूंगी और शादी करूंगी और मेरी बेटी को भी मैं 50 करोड़ रुपए दूंगी। अरे आप 50 करोड़ रुपए मोदी को देंगी आप? हमारी जमीन है, मेरी ससुराल में जमीन है 50 बीघा और मेरे मायके में जमीन है 50 बीघा। मेरे इससे 50 करोड़ रुपए आप मोदी को दे देंगी शादी के लिए? और राहुल गांधी जी को 50 करोड़ दूंगी। अच्छा, उनको भी देंगी? अच्छा, बेटी की शादी करनी है आपको, उनको भी? मैं एक महीने से भूखी बैठी हूँ, मेरी कोई सुनाई नहीं करते, क्या करूँ मैं? तो आपको यही पास में ही मोदी जी का ऑफिस है, वहाँ चला जाना चाहिए आपको। नहीं, कर्मचारी लोग भगा देते हैं ना, मेरे को नहीं जाने देते ना, वो तो अपना काम बनाते हैं, दूसरों की उनको परवाह थोड़ी है। अच्छा। हाँ। तो बताइए मोदी जी, आप शादी करना चाह रही हैं, मोदी जी आपकी बात नहीं सुन रहे हैं। अच्छा, मोदी जी को आपको एक कोई मैसेज देना हो तो आप क्या बोलेंगी मोदी जी के लिए, क्या बोलेंगी कि मुझे स्वीकार कर लीजिए, शादी कर लीजिए? अच्छा, ना तो आदमी की, जेंट्स की भी मोक्ष नहीं होती है, लेडीज की भी मोक्ष नहीं होती है शादी के बिना। वे मरते दम तक उनको यही ताने मिलता है। तो वो तो मोक्ष मिल गया ना उनको, तो शादी कर लिए हैं वो तो। अरे मोदी जी शादी कर चुके हैं, वो तो शादी आप भी कर चुकी हैं, दोनों को मोक्ष मिल गया है। लेकिन क्या बोलते हैं, उसको ताने तो मारते हैं ना, अरे मोदी जी अपने बीवी को छोड़ दिए। हाँ, फिर ये ताना मारते हैं, ऐसे आपको ताने मारते हैं, आपने अपने हस्बैंड को मेरे को ताना मारते हैं सब। आपने छोड़ा क्या? मैंने नहीं छोड़ा, मेरे हस्बैंड ने छोड़ा।